हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से मैं ब्राइट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वर्गीकरण। तो वहां आप लोग को बताया था कि विलयन का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले नंबर में हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, घटक के संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। तो घटक के संख्या के आधार पर विलयन तीन प्रकार से बताए थे, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, प्रीवियस वीडियो में बताया। फिर इसके बाद दूसरा वर्गीकरण का प्रकार बताए थे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के प्रकृति के आधार। तो विलायक के प्रकृति के आधार पर विलयन दो प्रकार के, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन और अजलीय विलयन। जलीय विलयन किसे कहते हैं? तो वैसे विलयन जिसमें विलायक हमेशा जल के रूप में रहता है, या जल हमेशा विलायक के रूप में रहता है, जलीय विलयन कहलाता है। अजलीय विलयन वैसे विलयन जिसमें विलायक हमेशा जल, विलायक जल के रूप में नहीं रहता है, अर्थात जल के अलावा अन्य कोई द्रव पदार्थ जब विलायक के रूप में रहता है तो उसको अजलीय विलयन बोला जाता है। ये प्रीवियस वीडियो में इस चीज का हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। तो आइए देखते हैं सांद्रण के आधार पर विलयन कितने तरह कैसे। प्रीवियस वीडियो निकालिएगा तो इसका डायग्राम के माध्यम से पूरा बताया विलयन का वर्गीकरण। यहाँ आप देख लेते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो पांच प्रकार के। देखिए कौन कौन होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में होता है डिल्यूट सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं तनु विलयन। कौन सा विलयन? तनु विलयन। सेकेंड नंबर में आप लोग को हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि सांद्र विलयन। और तीसरा नंबर में हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि संतृप्त विलयन। ठीक। और चौथा नंबर में हो जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि असंतृप्त विलयन। ठीक। और एक पांचवा नंबर में होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक। तो ये सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार हम लोग पीछे के डायग्राम में इतना बताए थे। अब इसमें हम लोग पढ़ना है कि तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है और अति संतृप्त विलयन क्या है। तो विलयन जैसे ही मिला हम लोग, तो आप लोग को हम पीछे के वीडियो में बताया कि जो विलयन होता है वह बना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी विलयन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये, इससे पूरा विलयन निर्मित होता है। पूरा विलयन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन, यानी विलय प्लस विलायक इक्वल विलयन, यानी घोल्य प्लस घोलक इक्वल घोल, विलयन के प्रकार। अब आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि विलय क्या है, तो आप लोगों को पता है जो विलयन में कम मात्रा में होता है विलय, जो अधिक मात्रा में होता है विलायक, और जब ये दोनों मिल जाता है, विलय और विलायक जब मिलता है तभी विलयन का निर्माण होता है। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो संतृप्त विलयन के मतलब कि वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है,
विलायक की अपेक्षा तनु विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा ज्यादा होती है, अधिक होता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ये नॉर्मल सा सिंपल सा लैंग्वेज में सीखे कि जब किसी विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, वह तनु विलयन कहलाता है, और जब विलय की मात्रा बहुत अधिक होता है तो वह सांद्र विलयन कहलाता है। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम आपके पास लेंगे, जैसे हमारे पास ये ले लिए एक पात्र, और इस पात्र के जो विलयन निर्मित किया गया है, ये पात्र है, इस पात्र में विलयन बनाया गया है, और इस विलयन में क्या है, 5 ग्राम चीनी है और 10 ग्राम पानी है, सॉरी 5 ग्राम चीनी है और 300 ग्राम पानी है, ठीक। यहां ये है एक पात्र, यहां ये ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 30 ग्राम चीनी और 300 ग्राम पानी, ठीक। डेफिनेशन हम लोग कह रहा है कि तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन हम लोग का है तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु विलयन का डेफिनेशन है कि वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है तनु होता है, सांद्र विलयन किसे कहते हैं तो जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है सांद्र होता है। अब हमारे पास ये चूंकि डेफिनेशन है, रटने से कुछ होने वाला नहीं है, समझना है, क्योंकि कहा गया है कि रटन तो विद्यावंत नहीं चपन तो भोजन पचन नहीं, तो इसलिए रटिए नहीं, उसको सीखिए समझिए तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ हमारे पास ठीक है वो डेफिनेशन है, अगर कोई पूछा अपना टाइम बता दिए, लेकिन अब हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 5 ग्राम चीनी और 300 ग्राम पानी को मिला है, और यहाँ 30 ग्राम चीनी और 300 ग्राम पानी को मिला है, और इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि इसमें कौन तनु बनाएगा और कौन सांद्र बनाएगा, तो बड़ी समस्या है, कई व्यक्ति इसमें कम है और इसमें ज्यादा। अच्छा ठीक है, यहाँ हम बोलते हैं कम और ज्यादा, फिर एक एग्जाम्पल हम यही लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ इससे ये कम है तो आप बोल दीजिए, लेकिन एक एग्जाम्पल और आपके पास हम ये ले लेते हैं कि एक और बिलियन बना लेते हैं हम लोग, और एक बिलियन इस तरह बनाते हैं कि इसमें इस बिलियन में आपका 40 ग्राम चीनी प्लस 300 ग्राम पानी, मतलब हो गई समस्या। अब तक आप लोग बोलिएगा कि सर इससे अब ये अधिक हो गया तो ये सांद्र हो गया, और ये क्या हो गया तनु हो गया, इससे ये कम है तो ये तनु है, और ये क्या है सांद्र है, तब बउआ हो ऐसे नहीं कंपटीशन आदमी फाइट करेगा, उसके लिए हम लोग को कुछ ट्रिक सीखना होगा, तब जाकर आसानी से बताएंगे कि कौन तनु है और कौन क्या है सांद्र है। अब ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम लोग इसमें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कौन तनु है, जिसमें विलय की मात्रा कम हो तनु, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो क्या चीज सांद्र, तो इसमें तो कम है इसके अपेक्षा इसमें कम है तो ये तनु और ये सांद्र, और ये दोनों को लेना है तो इन दोनों में इसकी इसके अपेक्षा ये कम है तो ये तनु ये सांद्र, ऐसा नहीं होता है। छोटा सा ट्रिक आप सीखिए आसानी से बताइएगा, विलायक अगर हम इसमें पूछेंगे ये तीनों में, तो तीनों में विलायक क्या है पानी है, तीनों में विलायक क्या है पानी, तो पानी का वेट कितना दिया है 500 ग्राम 300 ग्राम सॉरी 300 ग्राम दिया है, तो जो भी विलायक होगा उसका 5% आप निकालिए, किसका 5% निकालेंगे विलायक, इसका अगर हम लोग 5% निकालते हैं तो 300 × 5/100 इकट्ठे होगा 3×5=15 होगा ना, ये तो आएगा, तो हम ये 300 का ही निकालेंगे क्योंकि तीनों में 300 है, आपको निकालना क्या है कि जितने भी विलायक की मात्रा होगा उसका 5% निकालिए, किसका मात्रा विलायक का, तो विलायक में मात्रा 5% निकाल दिए, और 5% जो मात्रा निकालेंगे विलायक का, अब हम कंपेयर करेंगे विलय से, अब इसमें विलय की मात्रा कितना है 5 ग्राम है, इसमें कितना है 30 है, इसमें कितना है 40 है, तो जब विलायक के 5% आप निकालिएगा और 5% से यदि विलय की मात्रा उसमें ज्यादा होगी तब वह सांद्र होगा, और जब 5% से विलय की मात्रा कम होगी या 5% के बराबर होगी तो वह क्या होगा तनु होगा,
जैसे 5 ग्राम को 300 ग्राम में डाला गया तो 300 के 5% निकाले तो 15 हुआ, ये 15 आया है और यहाँ कितना है 5, यानी 5 है तो 15 से छोटा ही है इसलिए यह तनु होगा। और यहाँ देखिए 40, ये 30 ग्राम को 300 ग्राम में डाला गया तो 30 ग्राम को 300 ग्राम में डाला गया तो 300 के 5% 15 आया, 15 और 30 का कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाला अधिक हो गया ना इससे, इससे जब ये अधिक हो गया तो ये क्या है सांद्र है, वही बात ये है सांद्र है। तो ये तनु और सांद्र पहचाने का सिंपल सा तरीका है जिसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कैसे कैसे बताइएगा, विलायक के द्रव्यमान का 5% निकालिएगा, किसके द्रव्यमान के विलायक के, और 5% निकाल कर उसको किससे कंपेयर करिएगा जो विलेय उसमें उपस्थित है उस विलेय के द्रव्यमान से, और विलेय के द्रव्यमान से जब उसको कंपेयर करिएगा यदि विलेय का द्रव्यमान उस 5% जो निकाले हैं अगर उससे अधिक है तो वह सांद्र हो जाएगा, और यदि उससे कम है तो वह क्या हो जाएगा तनु हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन आप पूछ लेंगे कि 50 ग्राम यूरिया और मान लेते हैं प्लस 500 ग्राम पानी को मिलाकर एक विलयन बना है, एक क्या बना है विलयन बना है ठीक, और एक फिर यहां लेते हैं 30 ग्राम यूरिया प्लस 400 ग्राम पानी को मिलाकर विलयन बना है ठीक ना बउआ, ध्यान से समझना आप लोग। अब ये अब इस दोनों विलयन में बोला जा रहा है कौन तनु विलयन है और कौन क्या है सांद्र है, तो आइए अपने ट्रिक पर। सबसे पहले हम लोग 5% निकालेंगे, तो 5% किसका निकालेंगे विलायक, तो विलायक यूरिया है कि पानी है, पानी है ना, तो जब पानी है तो पानी का 5% आप निकालेंगे, इसमें क्या है विलायक यूरिया सॉरी विलेय क्या है यूरिया है, पानी क्या है विलायक है, तो जो विलायक होगा उसका 5% निकालिएगा, तो 500 ग्राम का 5% जब आप निकालिएगा 500 का 5% तो 500 गुणे 5 बटा में कितना 100 कट गया यानी 25 आया, क्या आया 25। तो आप ही बताइए कि ये जो 25 आया है इससे ये वाला जो द्रव्यमान है अधिक है कि कम है, अधिक हो गया तो हमने बोला है कि जब 5% निकालिएगा विलायक का और उससे यदि विलेय की मात्रा अधिक है तो वह किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा तो सांद्र होगा। ये कैसा विलयन है, ये विलयन सांद्र है, कौन सा विलयन है सांद्र। और फिर अब ये वाला देखा जाए कि तनु है कि सांद्र है, तब 400 का 40% है सॉरी 5% तो 400 गुणे 5 बटा में कितना है 100 कट गया है इसका 20 है। और इससे ये वाला मात्रा कम है कि ज्यादा है, ये भी ज्यादा हो गया क्योंकि विलायक का 5% निकाले तो 20 आया और इस विलयन में 20 से ज्यादा मात्रा 5% से ज्यादा विलयन मिले है यानी ये भी क्या हो जाएगा सांद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा सांद्र हो जाएगा। तो ये इस तरीका से आप तनु और सांद्र का पहचान कर सकते हैं कि जब विलय किसी भी विलयन में विलय की जो मात्रा है वो विलायक के 5% से ज्यादा है तो वह सांद्र विलयन और 5% से यदि कम है तो वह क्या है तनु विलयन। किसका 5% आप लोग निकाल रहे हो विलायक का, इससे कंपेयर कर रहे हैं जो विलयन में विलेय है उससे कंपेयर कर रहे हैं, बात समझे। एक और एग्जांपल लेते हैं ठीक, देख लीजिए आप लोग, जैसे हम बोल दिए कि 10 ग्राम ग्लूकोज ग्लूकोज और 30 ग्राम वाटर को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया, क्या बनाया सॉल्यूशन, और एक बोल रहे हैं 15 ग्राम ग्लूकोज और 30 ग्राम नहीं 40 50 ग्राम लेते हैं 50 ग्राम वाटर को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया, समझे सर, समझ रहे हैं आप लोग ना, 10 ग्राम ग्लूकोज प्लस 30 ग्राम वाटर को सॉल्यूशन, 15 ग्राम ग्लूकोज और 50 ग्राम वाटर को सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक ले लेते हैं आप लोगों 5 ग्राम शुगर प्लस 30 ग्राम वाटर और इसको मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन बना रहे हैं। हमारे पास तीन एग्जांपल,
अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कौन तनु विलयन और कौन सांद्र विलयन, तनु विलयन कौन है और सांद्र विलयन। तो फिर आइए अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, 5% निकालना है, 5% किसका निकालिएगा, विलाय, इसमें विलाय को वाटर नहीं है ना, क्योंकि इसी की मात्रा ज्यादा है, इसकी मात्रा तो कम है, इसका 5% निकालिएगा विलाय का। ये बताइए कि 30 का 5% निकालिएगा तो 30 का 5% हो जाएगा कितने, 1.5 ग्राम ना जी, 50 ग्राम का 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और ये 30 का फिर 5% निकालिएगा तो ये भी हो जाएगा 1.5। बात समझ रहे हो? अब ये सवाल आ गया कि ये जो विलयन बन रहा है ये किसका, हम 5% निकाल रहे हैं विलाय का, और 5% जो निकाल लिए तब इसको विलय से मिलाएंगे, तो विलय की मात्रा कितनी है 10, और यहाँ कितना है 1.5, 1.5 ले ये 10 की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसको बोल दीजिएगा कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र विलयन। अगर यही 1.5 ले नीचे रहता है 0.5 ग्राम ग्लूकोज को डाला गया होता तब आप बोलते कि तनु है, अभी 15 ग्राम वाले बोले 2.5 है तो ये भी सब 15 दिखे है, ये भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये इसमें देख रहे हैं तो ये भी 1.5 है और यहाँ 5 आ गया तो ये भी ज्यादा है, अब ये क्या है कम है, तो ये भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड ही सोल्यूशन है, यानी तीनों के तीनों सांद्र विलयन हो गए। तीनों हम लोग का किस प्रकार का विलयन हो गया, सांद्र, क्योंकि इसमें जो विलय की मात्रा है विलाय के 5% से क्या है तालिक। तो इस तरह से आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं, क्या कैसे पहचान है, विलाय के 5% निकालना है, 5% निकालने के बाद जो विलय दिया है उस मात्रा से मिलाना है, यदि उस मात्रा से विलय विलाय की मात्रा से विलाय के 5% निकालेगा और विलाय के 5% की मात्रा से यदि विलय की मात्रा अधिक है तो सांद्र और कम है तो क्या चाहिए, तनु विलयन हो जाएगा। ठीक, तो ये है तनु और सांद्र, नहीं रटना होगा अगर आप लोग को आप लोग रट सकते हैं कि वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम और विलाय की मात्रा ज्यादा, या वैसे विलयन जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तनु विलयन, और जिसमें विलयन वैसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह सांद्र विलयन। तनु और सांद्र, तनु विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होगी विलाय की अपेक्षा, और सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होगा। ठीक, तो यह तनु और सांद्र का डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, तनु विलयन वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है तनु विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन वैसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलाय की अपेक्षा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। अब आइए हम लोग को पढ़ना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया, इसमें हम लोग क्या किए हैं कि 5 लीटर जल लिए, 5 लीटर क्या है वाटर, और इस 5 लीटर वाटर में जो सॉल्यूट है कोई भी सॉल्यूट पदार्थ अगर ले लेते हैं, वह जैसे एक मान लीजिए 1 kg हम ले लिए शुगर, 1 kg शुगर को, और टेम्परेचर फिक्स किए हैं, तो किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर किसी विलायक में विलय पदार्थ की जो घुलने की मात्रा होती है वह निश्चित होती है। तो जब किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में विलय की अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं वह संतृप्त विलयन कहलाता है, किसे संतृप्त विलयन कहते हैं, वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है वह संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे कि 5 लीटर जल में 1 kg शुगर की घुलने की क्षमता है माना जा रहा है, ये फिक्स है कि 5 लीटर जल रहेगा तो 1 kg शुगर आसानी से उसमें घुल जाएगा, अगर उससे अधिक घोलेंगे तो नहीं घुल सकता है, कई किसान हम लोग शरबत वगैरह बनाते हैं तो घुल जाता है, ऐसा नहीं है। देखते हैं हम लोग कभी कभी जब आप शरबत बनाते हैं तो शरबत यानी पानी में जब चीनी को डालते हैं
तो चीनी को जब डाल देते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि चीनी को जब पानी में डालते हैं पूर्ण रूप से मिल जाता है, जब तक हम लोग हाथ से हिलाते रहते हैं, तो जब वो नियत होता है तो उसके जिस पात्र में बनाते हैं उसके पात्र में हल्का सा परत जैसा चीनी का हो जाता है। तो जब परत जैसा हो जाता है तो इसका मतलब कि वह चीनी उसमें घुला नहीं है। आज कुछ ऐसे भी आप शरबत बनाइएगा कि चीनी पानी में मिल जाएगा और उसको अगर उसके पेटी में हाथ लगाइएगा तो महसूस नहीं होगा, यानी जितनी उसकी घुलने की क्षमता है उतना ही उसमें चीनी को डाले तो आसानी से घुल गया, लेकिन जीव थोड़ा सा ज्यादा की तो नहीं घुल सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं जब टेम्परेचर अधिक बढ़ा देते हैं तो जिलेबी का जो सीरा बनता है, किसका सीरा? जिलेबी का सीरा। तो जिलेबी के सीरे में आप लोग को क्या देखने को मिलता है, जब तक टेम्परेचर गर्म रहता है, टेम्परेचर हम लोग यानी जब तक उसको गर्म करते रहते हैं तब तक वह उसमें तैरते रहता है, वो घुलते पानी में घुला रहता है। और जो टेम्परेचर लो करते हैं अर्थात वह ठंडा होता है तो सीरे पानी के जो यानी जिस हम लोग बर्तन में बनाते हैं उसमें चीनी एकदम मोटा परत जम जाता है, यानी वह ज्यादा मात्रा में घुल दिया जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि संतृप्त विलयन क्या है, तो वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को घोला नहीं जा सकता है वह संतृप्त विलयन है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए 5 लीटर में 1 kg घोलने की क्षमता है, आसानी से घुल जाएगा। अगर ये इसको 1.5 kg करिएगा तो नहीं ना घुलेगा, क्योंकि 1.5 kg तो अधिक हो गया है, 1 kg घोलने की क्षमता है तो ये नहीं घुल सकता है। तो ये संतृप्त होता है और असंतृप्त जस्ट इसके अपोजिट होता है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है। अच्छा ये देख लीजिए, पात्र हम लोग के पास ये है और इस ये इसमें 5 लीटर वाटर लिए हैं और इसमें घोलने की क्षमता कितनी है, 1 kg, और हम एक आधा केजी को ही घोले, आधा केजी शुगर को घोले, तो आधा केजी को तो घोल सकते हैं ना, है? तो आधा केजी को जब घोल सकते हैं तो ये हम लोग का कहलाता है क्या चीज, अनसैचुरेटेड असंतृप्त विलयन, कि नहीं इसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। तो वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन, आज जिसमें नहीं घोला जा सकता है वह संतृप्त विलयन। अब आइए आपके पास है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन इसका नाम है अति, आप लोग अति समझते हो ना, आप कोई भी कार्य अति अति कर दिया है एकदम, तो अति करने का मतलब कि एकदम ज्यादा हो गया, अति के मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। जैसे कि आपको रोटी खाने की क्षमता है 15, कितने रोटी खाने की क्षमता है 15, डेली आप 15 रोटी खा रहे हैं। आ किसी दिन आपको कहीं मान लेते हैं गए अच्छे प्रकार के कई प्रकार के डिश आप लोग के सामने आ गया और देखिए और 15 से 18 खा गए, क्षमता है खाने की पचाने की कितनी 15 है और हम 18 खा गए, तो 3 को तो ज्यादा ना खा लीजिए, तो वो अति ना हो गया। तो वही अति जो होता है उस प्रकार के जो विलयन होता है उसको अति संतृप्त बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमको, हम अपनी बात करें, मेरे को 4 रोटी खाने की आदत है, 4 रोटी खा लिए तो खाए तो पानी वगैरह पी लिए तो विलयन बन गया ना, तो वह फिक्स है कि हम 4 रोटी उतने पानी जितना पिएंगे उसमें 4 रोटी पचा सकते हैं, एक ये हुआ। अब ये भी फिक्स है कि हमको खाने की आदत है 4 रोटी और हम 2 ही रोटी खा लिए, तो इन आफ्टर टाइम कुछ समय बाद में अगर हम देखते हैं तो 2 रोटी और कहीं मिलेगा तो खा सकते हैं ना, क्योंकि हम 2 ही रोटी खा रहे हैं, तो 2 रोटी पहले खा रहे हैं तो अभी तक एक प्रकार का विलयन बना है, तो वह विलयन बना है तो वह असंतृप्त है। निश्चित ताप पर उसमें विलय पदार्थ की कुछ और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है, असंतृप्त नहीं मिलाई, 4 को खाना ही है 4 को खाई लिए तो कहां से मिलाएगा। आज जब मान लेते हैं मिला दिए कुछ अधिक हो गया है तो वह अति हो गया, तो अति हो गया तो अति संतृप्त कहलाता है। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो वैसे विलयन जिसमें विलय की निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है संतृप्त। जैसे कि 5 लीटर में 1 kg घोलने की क्षमता है तो 1 kg ही घोल सकता है, अब इससे अधिक नहीं घोला जा सकता है, तो ये इस तरह से जो विलयन बनेगा वो संतृप्त होगा। अब 5 kg में 5 लीटर में 1 kg घोलने की क्षमता है और आधा केजी घोले तो आधा केजी तो घोल सकते हैं ना उसी टेम्परेचर पर, क्योंकि आधा केजी और बढ़ाया जा सकता है, तो यह असंतृप्त कहलाता है।
और अति संतृप्त मतलब कि जिसमें संतृप्त विलयन से थोड़ा सा अधिक और विलेय पदार्थ को मिला सकते हैं वह कहलाता है क्या चीज, अति संतृप्त विलयन। तो ये था हम लोग का सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार के पांच, तनु विलयन किसे कहते हैं, वैसे विलयन जिसमें विलय बहुत कम मात्रा में होता है तनु विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन वैसे विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में रहता है सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की अधिक मात्रा को नहीं घोली जा सकती है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन वैसे विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की कुछ और मात्रा को घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन वैसे विलयन जो जिसमें संतृप्त विलयन से थोड़ा सा अधिक विलय पदार्थ घोला जा सकता है या घोला रहता है अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ये था आप लोग का विलयन का प्रकार कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, ठीक। ये था विलयन के प्रकार किसके आधार पर, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, ठीक। अब हम लोग तो फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो जो डायग्राम आप लोग को हम बनाए थे उस डायग्राम में दिखाए होंगे कि विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के, कौन कौन विलयन देखिए, पहला नंबर में ए नंबर में ठोस विलयन, कौन से विलयन, ठोस विलयन, बी नंबर में ये पहला नंबर हो गया ठोस विलयन, सेकेंड नंबर में गैस विलयन और तीसरा नंबर में ले लिए द्रव विलयन। चूंकि ये बताया गया आपको ठोस विलयन गैस विलयन और द्रव विलयन, तो आप लोग से अगर कोई पूछेगा कि ठोस विलयन किसे कहते हैं, कौन से विलयन, ठोस विलयन, तो वैसे विलयन जिसमें विलायक हमेशा ठोस अवस्था में रहता है ठोस विलयन कहते हैं, यानी ठोस में विलायक हमेशा ठोसी अवस्था में रहेगा ठोस विलयन कहलाएगा। गैस विलयन किसे कहते हैं, तो वैसे विलयन जिसमें विलायक हमेशा गैस अवस्था में रहता है गैस विलयन कहलाता है। द्रव विलयन किसे कहते हैं, तो वैसे विलयन जिसमें विलायक हमेशा द्रव अवस्था में होता है द्रव विलयन कहलाता है, बात समझे। अब एक बार हम आप लोग को बता दें कि ये तो हो गया, लेकिन विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर भी इसको क्या किया गया, तीन पार्ट में बांट दिया गया, कौन कौन, ए नंबर में आ गया ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, बी नंबर में आ गया द्रव का ठोस, द्रव का ठोस में विलयन, और सी नंबर में आ गया गैस का ठोस में विलयन, ठीक ना। और इसमें भी जस्ट इसी तरह ये भी हो जाएगा गैस का गैस में, गैस का गैस में विलयन, बी नंबर में द्रव का गैस में विलयन, और सी नंबर में ठोस का गैस में विलयन, गैस में विलयन। इसमें भी ये तीन प्रकार के हो जाता है, द्रव का द्रव में विलयन, बी नंबर में ठोस का द्रव में विलयन, और सी नंबर में गैस का द्रव में विलयन, ठीक। तो विलयन के प्रकार हो गए, ये किसके आधार पर है, तो भौतिक अवस्था के, यानी कह सकते हो विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलय नौ प्रकार के, तीन तीन छ तीन नौ। ठोस विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलायक हमेशा ठोस अवस्था, देखिए पीछे के जो वीडियो देखिएगा उसमें बताया था जिसके लास्ट में मे लग गया वो विलायक और जिसके लास्ट में का लगा वो विलय, जैसे ठोस में ठोस में ठोस में, यानी ठोस को ठोस में डाला गया, द्रव को ठोस में डाला गया, गैस को ठोस में, यानी ये हमारा विलय और ये का चिंतिका,
अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव ठोस का ठोस को विलयन किसे कहते हैं, तो वैसे विलयन जिसमें ठोस हमेशा विलय और विलायक की स्थिति में रहता है, ठोस का ठोस को विलयन कहते हैं। द्रव का ठोस में विलयन किसे कहते हैं, तो जिसमें विलय द्रव और विलायक ठोस। गैस का ठोस में किसे कहते हैं, जिसमें विलय गैस और विलायक ठोस। गैसीय विलयन में फिर आइए देखिए, यहां विलायक गैस है, विलायक क्या है, गैस है, तो यह गैसीय विलयन कहलाता है। द्रव विलयन जिसमें विलायक हमेशा क्या है, द्रव। विलायक जिसमें हमेशा द्रव है, द्रव विलयन। जिसमें ठोस रहेगा ठोस विलयन, जिसमें गैस रहेगा गैस विलयन। विलायक विलय चेंज हो जाएगा, ठीक। अब एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं ठोस। देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूट, सॉरी यानी विलय ठोस, विलायक ठोस। तो जिसमें विलय और विलायक दोनों ठोस, तो ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है। एग्जांपल कॉपर इन एल्यूमिनियम गोल्ड, यानी कॉपर और गोल्ड का जब मिश्रण करेंगे तो वह आपस में मिलेगा, तो मिलेगा तो किस प्रकार का विलयन, क्योंकि कॉपर भी ठोस और गोल्ड भी ठोस, तो दोनों ठोस का ठोस में हो जाएगा। फिर H2NPD यानी हाइड्रोजन को पीडी में डाला गया, तो पीडी में डाला तो हाइड्रोजन गैस है और पीडी क्या है, ठोस। तो हाइड्रोजन गैस, पीडी ठोस, तो गैस को ठोस में डाला गया। अब कह रहा है HG एंड सोडियम अम्लगम मरकरी लिक्विड, सोडियम अम्लगम लिक्विड, तो लिक्विड टू लिक्विड, नहीं सॉरी, मरकरी लिक्विड और सोडियम अम्लगम सॉलिड, तो लिक्विड टू सॉलिड, तो ये लिक्विड टू सॉलिड हो गया। अब कह रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, तो जिसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन प्रकार के, देखिए यहां बताया है, तो यही है। तो जिसमें विलेय लिक्विड और विलायक लिक्विड, जैसे इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल को जल में घोला गया, इथेनॉल भी लिक्विड स्थिति में और वाटर भी लिक्विड स्थिति में, तो इसको लिक्विड टू लिक्विड विलेय बोला जाएगा। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस का द्रव में, वाटर इन O2 इन वाटर, ऑक्सीजन को जल में मिलाया गया, तो जल विलायक है और ऑक्सीजन विलेय है, तो ऑक्सीजन गैस हो गया, जल विलायक हो गया यानी द्रव हो गया। फिर सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव में, ग्लूकोज इन वाटर, यानी ग्लूकोज को किस में डाला गया, जल में डाला गया, तो ग्लूकोज ठोस अवस्था में और जल द्रव अवस्था में, ठोस का द्रव में हो गया। फिर आपको गैसीय सॉल्यूशन, गैस का गैस में यानी O2 इन N2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिश्रित किया गया, तो दोनों गैस। फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म आपका द्रव हो गया और नाइट्रोजन गैस है। कैम्फोर इन सॉलिड, कैम्फोर आपका सॉलिड है और नाइट्रोजन क्या है, गैस। तो ये जो आपका डायग्राम है वह किसके आधार पर विलय और विलायक कह सकते हो, विलय और विलय, क्योंकि विलायक लेंगे तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर तीन, गैसीय द्रव ठोस, और विलय और विलायक दोनों के लीजिएगा तो 9 प्रकार के, कितने प्रकार के, 9। तो इस तरह से ये विलयन का प्रकार है। ये देखिए ये सॉलिड सॉल्यूट विलय और ये क्या चीज सॉल्विड, इसका एग्जांपल ये है, ये यानी जब ठोस विलय के रूप में और ठोस विलायक के रूप में रहेगा तो क्या एग्जांपल होगा, जब गैस विलय के रूप में और ठोस विलायक के रूप में रहेगा तो क्या एग्जांपल होगा। तो इस तरह से ये सारे चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये है आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन का वर्गीकरण कितने तरह से किया गया भाई, चार तरह से किया गया था। पहला नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, दूसरा नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और चौथा नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के, ठोस द्रव और गैस। तो ये आप लोग का था विलयन के प्रकार। ये आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा, इसमें जो भी चीज समझ में नहीं आया होगा उसको एक बार कमेंट में करिएगा, तो फिर शायद हम नेक्स्ट वीडियो इसे जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें उस चीज को समझा देंगे, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं दिक्कत ना हो। अगर चैप्टर इस चैप्टर, देखिए चैप्टर का दूसरा क्लास है, ऐसे ही क्लास वाइज अगर पूरा वीडियो देखते रहेगा तो आप लोगों को कहीं फिल्म नहीं होगा। अगर छोड़ छोड़ कर देखिएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि रेगुलर जो क्लास बच्चा करता है तो उसको समझ में आएगा, और रेगुलर जो नहीं रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग वीडियो देख लीजिए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी
वीडियो डालें तो आप लोग के पास पहले पहुंच जाए। ठीक, फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। हाय।